गाइस कैसे आप सभी लोग। मैं चुका एक और बहुत ही शानदार कमाल और धमाकेदार वीडियो के साथ में। सो गाइस बहुत टाइम बाद आज वीडियो आ रही है क्योंकि एक्चुअली मेरे गाइस एग्जाम्स आ गए थे तो उस वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन हाँ गाइस आज दोबारा से आप सभी के लिए वीडियो आई है। तो वीडियो में आज क्या रहने वाला है, लास्ट वीडियो में हमने करा था BMW X7 के साथ थोड़ा सा रोमिंग करी थी हमने सिटी वगैरह में घूमने गए थे। लेकिन आज हम उसके साथ करने वाले, आपके सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि ऑफ रोडिंग पर भी लेके जाओ। तो गाइज आज उतनी ही महंगी गाड़ी को आज हम लेके जाने हैं पूरा, जिसे कहते हैं ना ऑफ रोडिंग पे। तो देखते हैं कि गाइज ऑफ रोडिंग पे गाड़ी जाएगी तो सही, लेकिन क्या वापसी आ पाएगी, क्योंकि उसमें आपको पता ही है पावर कितनी ज्यादा है। नॉर्मल सिटी में ही हम दो चार बार क्रैश कर चुके थे तो अब एक बार हमें देखना है कि ऑफ रोडिंग पर भी क्रैश वो करती है या नहीं करती है। अल्टीमेट पावर है, अल्टीमेट गाड़ी है। तो वीडियो गाइज आपको देखने में बहुत मजा आएगा, साथ ही मेरे को बनाने में भी बहुत मजा आएगा। और अभी तक गेम प्ले रिकॉर्ड नहीं करा तो आप ही के साथ साथ फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना, इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना अगर अच्छे लगे तो। बहुत अमेजिंग कंटेंट रहने वाला है बाकी गाइस, ऐसी वीडियोस के लिए दिए गए गाइस नीचे बटन पे सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी एक बार कमेंट करके बता देना कि आपको जो भी आपकी ड्रीम कार है, जो भी आपकी फेवरेट गाड़ी, तो हम उसके साथ भी वीडियोस वगैरह बनाएंगे। जो भी आप चाहते हो कि आप उसके साथ थोड़ा सा सिटी में जिसे कहते हैं रोम करो या फिर उसको टैक्सी मिशन में लेके जाओ, तो वो सारी चीज हम करेंगे बिना किसी देर के। वीडियो कर रहे स्टार्ट। हाँ जी, सो गाइस फटाफट से लेके चलते हैं अपनी BMW X7 को ऑफ रोडिंग पे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी BMW खड़ी हुई है। आपने लास्ट वीडियो में तो पूरा लुक वगैरह देख ही लिया होगा, तो फटाफट से इसे लेके चलते हैं। तो फटाफट से अपना पहला गियर डाल चुके हैं और स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी को। चलो जी, तो गाइस मैं अभी बता दूं आपको ना, यहाँ पे लॉस सैंटोस में थोड़े इलेक्शन वगैरह चल रहे, तो उसकी छुट्टी के कारण आज थोड़ा सा रश कम है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा आसानी रहेगी। इसलिए मैंने आज का दिन चुना कि हम अपनी X7 को लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है पहले एक तो वे पॉइंट बना लेते हैं। अपन जाना है माउंट चिलियार्ड पे, तो अपने को लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा। तो गाइज इसलिए मैंने आज का दिन चुना क्योंकि आपने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस गाड़ी के साथ, क्योंकि गाइज ये वाली जो गाड़ी है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पीड में भगती है। तो इसलिए हम ज़्यादा, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा 3 बार हम क्रैश कर गए थे, ठीक है ना, सिटी में ड्राइविंग जब हम कर रहे थे। तो इसलिए मैंने इसलिए आज का दिन चुन लिया कि चलो आज थोड़ी सी पॉपुलेशन कम रहेगी, थोड़ा सा रश कम रहेगा, तो हम इजीली अपना ड्राइव का मज़ा ले सकते हैं। तो इसलिए मैं आज निकल पड़ा हूँ, अपना माउंट चिलियार्ड की तरफ जा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5.4 माइल्स का डिस्टेंस है जो अभी हमें कवर करना है माउंट चिलियार्ड तक। बाकी गाइस पावर तो एक नंबर है, और एक बार इसकी अगर आपने अभी तक लुक नहीं देखी है तो थोड़ा सा दिखा रहा हूँ मैं आपको बीच बीच में, क्योंकि मेरे को आगे का रास्ता भी देखना है। ये देख लो ये इसकी कुछ फ्रंट लुक है, और अभी इसकी साइड लुक वगैरह भी अभी आपको दिखाएंगे। ये देख लो इसकी साइड लुक है, ये देख लो। बच गए, चलो जी अब थोड़ा सा भगाते हैं गाड़ी को, ठीक है ना। ये देखो ये कंट्रोल से बाहर जाती है गाड़ी थोड़ी सी ना। चलो जी, चलो 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 चलो, मेन तो मज़ा गाइस इसके साथ ना ऑफ रोडिंग में आएगा। देखो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है गाड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, चलो जी। और गाइस मेरे को ना कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट गाड़ी को किसके साथ आपको ये गेम प्ले चाहिए, तो हम उसके साथ ज़रूर बनाएंगे। बच गई भाई, स्पीड तो बहुत ज़्यादा हाई पे भगती है गाड़ी, है बहुत ज़्यादा। कंट्रोलिंग ठीक है, लेकिन हाँ इसे थोड़ा सा संभालना मुश्किल है। स्पीड के हिसाब से इसकी कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये गाइस एकदम से इतनी स्पीड को कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल है। गाड़ी में कोई कमी नहीं है, ये देख लो बहुत ही बढ़िया गाइस। अरे चलो जी, बच गए। ओ भाई साहब, चौथे गियर पे तो बिल्कुल ही उड़ रही है भाई, उड़ रही है। ये देख लो, ऊपर थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, लेकिन अभी हमें नीचे की तरफ से जाना है क्योंकि माउंट चिलियार्ड ऊपर वाला रास्ता नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट से अपना पहुंचते हैं माउंट चिलियार्ड पे और अपना ऑफ रोडिंग को शुरू करेंगे। देखो थोड़ी सी अनस्टेबल हो रही है, चलो 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 चलो, ठीक है। ये गाइस 0 to 100 तो मतलब ये मान लो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कवर कर लेती है गाड़ी। अगर आपको इसका स्पीड टेस्ट वगैरह भी देखना है कि टॉप स्पीड कितनी जाती है, तो एक दिन अपन चलेंगे अपना एयरपोर्ट पे, वहाँ पे रनवे वगैरह पे एक बार इसका स्पीड टेस्ट करेंगे कि ये मैक्सिमम कितनी जाती है, या इसकी टॉप स्पीड क्या है, या कितने सेकंड्स में ये 200 या 250 या 300 जो भी आप टारगेट कहोगे वो टच करती है।
तो उसके लिए एक बार गाइज मेरे को आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो हमें जाना है राइट, सॉरी लेफ्ट की तरफ। तो गाइज ऑफ रोडिंग में ना मैंने सुना है कि इसकी तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ठीक है ना, मतलब इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ सुनी है मैंने, लेकिन अब वही देखना है मेरे को कि ऐसी क्या है इसकी परफॉर्मेंस। तो वही देखने के लिए आज अपन आए हैं और चलो चलो आराम से। कच्चा रास्ता गाइज शुरू हो गया है, एक बार आपको अंदर का भी इंटीरियर व्यू भी दिखा दूँ। अपन अगर चाहते हो तो गाइज इस व्यू में भी चला सकते हैं, लेकिन इसमें मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, तो इसलिए मैं प्रेफर थर्ड पर्सन ही करता हूँ। तो गाइज अब धीरे धीरे आप देख सकते हो चढ़ाई भी ना शुरू हो गई हमारी, चल रहे हैं आराम से अपना। इधर गाइज ये देख सकते हो थोड़ा ट्रक का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, चलो जी चलते हैं। कच्चा रास्ता है गाइज, लेकिन अपने को बिल्कुल आराम से चलानी पड़ेगी, मतलब दूसरे गेट से तो ऊपर इस गाड़ी पे तो मैं जा ही नहीं सकता। चलो जी चलो चलो, कट जाएगी और कट गई, बच गए। बहुत तेज पावर है यार इसमें, आराम से भैया आराम से, चलो जी आराम से। गाइज गाड़ी बंद हो रही है बार बार, चलो 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 चलो, सेकेंड पे डालेंगे, आराम से चलेंगे बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम 80 तक की स्पीड हम केटर करें, उससे ज़्यादा तो मुश्किल हो जाएगी। ओ बच गए, बच गए गाइस, बिल्कुल इंच पे बची है गाड़ी। चलो 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 जी, हाँ ये अभी हमें ब्रिज क्रॉस करना है, उसके बाद तो हमारी मेन चढ़ाई शुरू होएगी। यहाँ पे तो हम थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चौड़ी सड़क नहीं है तो ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल जाती है। और इसका ना स्टेयरिंग जो है, मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है जब स्पीड, जितनी ज़्यादा स्पीड में जाती रहती है ना, उतना ज़्यादा इसका स्टेयरिंग बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो उस वजह से भी ना ज़रा सा भी स्टेयरिंग मोड़ती गाड़ी पूरी कट जाती है, तो इसलिए ना वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें जो है चलाने की थोड़ी रफ़ आदत है, क्योंकि एंडेवर थार वगैरह ऐसी गाड़ी है गाइस हम मोस्टली कवर करते हैं। लेकिन हाँ भैया महंगी गाड़ी है तो महंगे शौक हैं, इनके लिए ड्राइवर भी महंगे ही रखे जाते हैं गाइस। आराम से आराम से आराम से है, अरे भैया इजी, अरे मुरली इसका टर्निंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, आराम से चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से आराम से आराम से आराम से, ईजीली हमें जाना है लेफ्ट की साइड से। देखो गाइस ग्राउंड क्लियरेंस में तो कोई कमी नहीं है गाड़ी की, और इसके टायर सस्पेंशन वगैरह सब एकदम बहुत ही परफेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। आप ये देखो, हम ऑलमोस्ट ऑन दी टॉप आ चुके हैं, ठीक है ना। पावर वगैरह में भी कोई कमी नहीं है। अब देखो जैसे आप सपोज़ अपन गाड़ी रुक भी जाएगी ना, और अगर देखो जैसा आप देख रहे हो थोड़ा सा ना पीछे पीछे को जा रही है, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं अभी भी एकदम एक्सेलरेशन दूंगा ना तो ये सीधा ऊपर चढ़ जाएगी। वरना कुछ गाड़ियाँ गाइस होती है कि अगर ब्रेक दबा दो आप तो उसके बावजूद भी वो नीचे फिसलती ही रहती हैं। इसे गाड़ी को तो गाइस बिल्कुल इस रैंप पे तो बहुत ही कम स्पीड में चढ़ाना पड़ेगा, ओह ओह वरना पलट सकती थी। चलो जी चलो चलो चलो, सिंगल हैंडेड में जो गाइस ड्राइव करने में मज़ा है ना, वो अलग ही है। आराम से। तो गाइज आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको लॉजिटेक G29 वाले गेम प्ले कैसे लगते हैं, आपको ये पसंद आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और इसके अलावा आपको और क्या कंटेंट चाहिए, तो वो आपके लिए गाइज मैं बनाऊंगा ज़रूर। चलो जी चलो चलो चलो, अरे आराम से भैया आराम से। और अपनी गाड़ी, फेवरेट गाड़ी भी मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन सी गाड़ी के साथ आप चाहते हो मैं गेम प्ले वीडियो बनाऊँ। और क्योंकि गाइज मैं मोस्टली दो गेम ज़्यादा आराम से पहले से चढ़ा दूँ फिर आपसे बातें करेंगे। हाँ मैं मोस्टली ना गाइस दो गेम ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, एक करता हूँ फोर्ज़ा होराइज़न 5 और एक मैं खेलता हूँ GTA 5 जो कि आप देख रहे हो। बहुत ही जल्द गाइस रैम चैलेंजेस भी हम स्टार्ट करेंगे, उसकी अभी प्लानिंग चल रही है, उसके लिए थोड़ा एक दो इशूज़ वगैरह आ रहे हैं, लेकिन हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही जल्द वो भी काम हम शुरू करेंगे। रैम चैलेंजेस, पार्कर रेसेस वगैरह, वो सब अभी आपको कंटेंट इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो अगर आपको कंटेंट देखना चाहते हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे उस कंटेंट का एक्सेस सबसे पहले आपको मिलेगा, तो आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि गाइस वीडियो में फ़न तो होता ही रहता है, ठीक है ना। और चलो आ गए गाइस, ऑलमोस्ट हम आ ही गए हैं ऊपर,
ठीक है ना गाइज, आपको ऊपर दिख रहा होगा वो है टॉप ऑफ द माउंट चिलियर्ड, सही है ना। तो आज एक काम करेंगे, आज ना वीडियो को जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे, आराम से भैया, हाँ इसे ना गाड़ी को इसके माउंट चिलियर्ड के पार लेके जाएंगे। अभी गिर जाती है गाड़ी, गाड़ी गाड़ी बंद हो गई है, बस चलो चलो चलो, हल्की सी रेस, हल्की हल्का हल्का पावर के साथ चलो गाड़ी, हल्की पावर के साथ, एकदम एकदम हल्की पावर के साथ चलो 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 चलो। गाइस परफॉर्मेंस तो एक नंबर है गाड़ी की, मतलब कितने पत्थर वगैरह आ रहे हैं लेकिन एकदम चिपक के चल रही है। और दूसरी चीज़ क्या है गाइस, एक तो ना इसका सस्पेंशन इतना बढ़िया है जिसका क्या ही कहना, मतलब गाइस बहुत ही ज़बरदस्त सस्पेंशन, मतलब कंफर्ट है गाड़ी में यार, बहुत ज़बरदस्त कंफर्ट है। और इसका स्टेयरिंग भी मतलब स्मूथ चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना, सच कोई इशूज क्रिएट नहीं करके दे रहा। एक बार आगे देख लेते हैं, है जगह है, निकल जाएगी ना यहाँ से, थोड़ा सा स्टीप है लेकिन आप ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, टकराई नहीं है गाड़ी बिल्कुल भी नीचे, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही शानदार है गाड़ी का। ओ भाई साहब, यहाँ तो रास्ता और पतला होता जा रहा है, ये देखो ग्राउंड क्लियरेंस देख लो गाइस, आप कहते हो ग्राउंड क्लियरेंस नहीं दिखाते, नीचे से गाड़ी लग जाती है, इधर से नहीं दिख रहा तो गाइस इधर से एक बार चेक कर लो, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही शानदार है गाड़ी का, ठीक है ना, आराम से भैया आराम से चलें जी, चलो 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 आराम से, ईजीली ईजी, टेक इट ईजी, बहुत ही प्यार से, प्यार से भैया प्यार से, ये देख भक्ति चली जाती है, चलो 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 एकदम ही गाइस, इसे तो मतलब बस 100 पार करनी होती है। और गाइस ये गाड़ियाँ वैसे इस चीज़ के लिए बनी नहीं है, ऑब्वियसली ये जो गाड़ियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट के लिए जानी जाती हैं, ठीक है ना, अपने लेवल की बहुत ही ज़्यादा क्लास गाड़ी है ये, लेकिन हाँ ठीक है, हम ऐसे गाइस आप सबकी डिमांड पर ये सारे टेस्ट करते रहते हैं, तो जिससे आपको भी मज़ा आता है और मेरे को भी कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिल जाता है। तो ऐसे ही एक बार मेरे को बस कमेंट करते रहो कि आपको नेक्स्ट कौन सी गाड़ी देखनी, क्योंकि ये गाइस जो मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ ये भी किसी बंदे का कमेंट ही आया था, भैया एक बार BMW X7 ट्राई करो, तो इसलिए आज BMW X7 हम ट्राई कर रहे हैं। और ओए इसके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि इधर उधर देखो खाई है बिल्कुल, ओ भाई साहब बिल्कुल इंच पे चल रहा टायर, ज़रा सा इधर नहीं ज़रा सा उधर नहीं, वरना दिक्कत हमें नीचे से लेना पड़ेगा, यस थोड़ा सा नीचे से लेना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर लैंडस्लाइड सी हो रखी है, हाँ तो गाइस यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा कॉमन है, होती ही रहती है। चलो 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 चलो, संभाल के चलानी पड़ेगी, इसलिए गाइस मैंने ना एक हाथ से माउस मैनेज कर रहा हूँ जिससे ना मेरे को एटलीस्ट व्यू क्लियर होता रहेगी गाड़ी, एक सेकेंड जा कहाँ रही है, इसे थोड़ा सा ऊपर से चढ़ा के ना ऐसे निकालनी पड़ेगी इसे, ऐसे इसकी भी ना एक वही है गाइस कला, ऐसे निकालने के लिए भी चाहिए। चलो मैं गाइस एक्सेलरेशन पे तो पैर ही नहीं रख रहा, मैं सिर्फ ब्रेक दबा रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ग्रीन मीटर, चाहिए ना सो भी आया था, मैं सिर्फ ब्रेक दबा रहा हूँ, एक्सेलरेशन तो मैं इसे अभी दे ही नहीं रहा, तो ये हाल है इसका भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, लेकिन एक्सेलरेशन भी कमाल किया, अगर देखो मैं पूरा ब्रेक दबा दूँ ना वहीं रुक जाएगी ये गाड़ी, उससे आगे जाएगी नहीं, बस हल्का सा पुश देता हूँ मैं उसका तो बढ़ती चलती आगे आराम से भैया आराम से, इतना भी आगे नहीं बढ़ना, चलो 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 चलो, बहुत स्मूथ गाड़ी है यार, ओ यार यहाँ आज यहाँ पे कैसे लैंडस्लाइड हो गई, आराम से नीचे से तो नहीं टकरा ली ना गाड़ी, नहीं टकरा ली, स्पेस है अभी बहुत ही ज़्यादा, मतलब गाइस ये देखो बच गई, डिफिकल्ट ऑफ रोडिंग है लेकिन हाँ ठीक है कर रहे हैं कैसे तैसे, लेकिन गाइस इसका भी एक अपना अलग लेवल का एक्सपीरियंस है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप मेरे को गाइस कमेंट करके बताते रहो इतने कि आपको एक कैसा लग रहा है गेम प्ले, आपको मज़ा आ रहा है नहीं। चलो जी बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, चलो 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 चलो,
यार यहाँ पे तो लैंडस्लाइड हुई हुई है आगे। गाइस लैंडस्लाइड हुई है तो मेरे को ना आगे से थोड़ा लेफ्ट से नीचे से ही निकालनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे भी खाई सी है थोड़ी। तो एक काम करते हैं, इसमें ना बीच में से थोड़ा सा देखे अपना राइट को काट देते हैं गाड़ी को। हाँ ये परफेक्ट रहा ना टर्न, वरना गाइस गाड़ी पलटने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है इधर। चलो जी, अरे रुक गया, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से ये आराम से। चलो 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 चलो, हो गई है गाइस ऑलमोस्ट ख़त्म ऑफ रोडिंग, हम ऑलमोस्ट नीचे आ गए हैं। अब तो हम यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाई वाई वाली दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और गाइस फर्स्ट गियर पे देखो ऑलमोस्ट 80 क्रॉस कर रही है गाड़ी, 90 टच करने वाली ऑलमोस्ट ठीक है ना। चलो जी आ गए गाइस अपने हाईवे पे। तो गाइस मेरे को कमेंट करके बताना आपको गेम प्ले कैसा लगा, और आपको इसके साथ ऑफ रोडिंग करके मज़ा आया नहीं आया। गाइस मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और अगर ऐसी ही आप लॉजिटेक G29 के गेम प्लेस देखना चाहते हो तो मेरे को इसी चैनल पे गाइस आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और बाकी इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। बाकी अभी करंट स्पीड देखी जाए तो 200 पार तो बहुत प्यार से जा रही है फोर्थ गियर पे, और आई गेस इसमें 6 गियर है ठीक है ना। बाकी यार परफॉर्मेंस एक नंबर है गाड़ी की। देखो स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल मक्खन, लेकिन गाइस उतने उससे ज़्यादा मुश्किल होता है कंट्रोल करना। तो गाइज हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, मेरे को एक बार कमेंट कर देना, एक बार गाड़ी साइड में लगाते हैं फिर आपके साथ वीडियो को एंड करेंगे। अच्छा विंड मिल की आवाज़ आ रही है, मेरे को लगा गाड़ी में से आवाज़ आ रही है ठीक है ना। सो गाइज वीडियो को यहीं एंड करेंगे, वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज ज़रूर से दोबारा से बता रहा, एक बार मेरे को कमेंट ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक यू सो मच।